गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि कल रात को सही से नींद आ गई और सारी थकावट खत्म हो गई है। अब सुबह के 11 बजे हैं, ये शॉप पे चले गए हैं। मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ। मैंने पाठ पूजा कर ली है, नाश्ता भी कर लिया है। मैंने वही वाली ड्रेस जो कल पहनी थी मैंने आज पहन ली। सूट प्रेस करने लगी तो लाइट चली गई, तो यही प्रेस था, मैंने फटाफट यही पहन लिया। बस अब झाड़ू पोछे वाली आएगी, झाड़ू पोछा मार जाएगी, बर्तन पड़े हैं वो मैं साफ़ कर देती हूँ, सारा घर का काम हो जाएगा फाइनली। अब देखते हैं कि दोपहर को क्या बनाएं। लंच में बनी है आज आलू मेथी, जो कि सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद होती है और इस सीजन की मैंने पहली बार बनाई है। और सबसे पहले लगेगा भोग, उसके बाद खाएंगे हम, और साथ में फुल्की। मम्मी को तो दे दी है, अब लड्डू गोपाल जी को भी, उनको भी भोग लगा दिया, अब इनको भोग लगवाती हूँ। आप कारीगर के पास गए थे तो वो लेके आए हो जो मैंने आपको बोला था प्लांट लेके आना, इंडोर जो प्लांट होते हैं। मैं दिमाग से उतर गया। अच्छा, कोको पुची का खाना लाए हो? पुची खाना लाया, वो तो लाया हूँ। हाँ। असल में क्या हुआ, मैं कोको पुची खाना ले लिया ना, तो मैं कारीगर गया, आपने खाना लिया, खाना लेने के बाद मैं जो रास्ता था दूसरा वाला साइड का था, तो मेरे दिमाग से उतर गया प्लांट लेने के लिए। एक काम कर लेते हैं, दोपहर को खाना खाऊंगा जब मैं, तो खाना खाने के बाद फिर चलते लेने। लेके चलते हैं वो डब्बे, वो लेके चलेंगे, इंडोर प्लांट लेके आते हैं। साथ में बॉक्स लेके आने पड़ेंगे क्योंकि एक छोटा है बड़ा है। हाँ। उसको देख के लाना पड़ेगा, छोटे बड़ा साइज का, क्योंकि साथ भी आने पड़ेंगे सैंपल के। चलो कल चलते हैं, कल चलते हैं। खाना तो ले आए हो ना? कोको पुची का खाना ले आए? हाँ, अभी मैं तो दो पाउच पड़े हैं, क्या होता है पाउच खत्म हो जाए तो बहुत दिक्कत होती है। फिर आपको वहाँ से मंगाओ 24 आवर्स से। हाँ, बहुत दिक्कत। हेमा का ना फोन आया है, हेमा बुला रही है मुझे। क्या कह रही है? कह रही है दीदी आ जाओ। तो मैंने कहा था तू आ जा, कहती नहीं आप आ जाओ, पूजा भी बैठी है, मैं भी बैठी हूँ। अच्छा। तो आप आ जाओ। तो अब मेरे से तो पैर में लग गया चोट, मुझसे तो जाया नहीं जा रहा। हाँ। तो अब मैं चीना को बोलती हूँ, स्कूटी पे छोड़ाती है। चीना, चीना बोल, कल्लू भी घर ही है, चीना भी घर थी, तो उसमें फोन मारता ना, दुकान पे आएगी तो स्कूटी ले जाएगी। चलो आप उसको ऐसे करो कि उसको फोन मारो कि दुकान पे आ जा और चीना मुझे छोड़ आती है। दूसरी स्कूटी में क्या था, कल्लू को चाहिए वो घर खड़ी हुई है। नहीं, चीना को फोन मारो आप, मैं फोन मुझे मासी के घर छोड़ के। ठीक है, बस आधा पौना घंटा बैठ के आ जाऊंगी। ठीक है, मारो। कल गुरपुरब है, गुरपुरब करके इतना सजाया हुआ है, देखो ऐसे लग रहा है जैसे दिवाली होती है दोबारा से, ऐसे जगमग जगमग लग रहा है। मैं हेमा की गली में आ चुकी हूँ, बहुत सुंदर लग रही है पूरी गली, देखो सब जगह लाइटिंग ही लाइटिंग है, ऐसे लग रहा है जैसे आज ही दिवाली होती है। मगर कल गुरपुरब है, यहाँ पर गुरपुरब बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हेमा के घर में पहुंच चुकी हूँ आज। अच्छा, आपकी टांग का दर्द कैसी है? है? जीआई के साथ आयो, कैसे आयो? नहीं, चीना छोड़ गई है नीचे। चीना छोड़ गई ना? चलो वही मेरे को तो उसको काम था। चीना छोड़, नहीं चीना करी, मैं फिर आऊंगी, कह रही लेने आ जाऊंगी, लेने आ जाएगी ना। हाँ, कह रही आप बैठो, मैं लेने आ जाऊंगी। नहीं नहीं, सही किया, मुझे भी यही था। तो लाइव आए हुए थे अभी? हाँ, लाइव आए हुए थे। हाँ। जिया जी ने मुझे बताया, कह रहे तू क्या करने जा रही है, वो तो लाइव है, मैं कोई बात, कितनी देर लेंगे लाइव? हाँ, हो गया, हो गया, आधा घंटा लाइव है, आ जाओ। फिर वही ब्लॉग से ब्लॉग टकरा रहे हैं, ये फोन से फोन टकरा रहे हैं। चलो भाई अंदर चलो। पूजा चाय बना के आई है, मेरी भी चीनी वाली है, इसकी भी चीनी वाली है, हेमा की फीकी है, इसलिए कप अलग है। और कहती है मासी खा लो, मैं कहा ज्यादा खाने का दिल नहीं कर रहा, बस रस ही लिया। भाई चाय ऐसे नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि तो चाय ऐसे पियो तो फिर खाली पेट पीनी। हाँ, मैं बिना अदरक की चाय पीती नहीं। अच्छा हुआ मैं छोटी इलायची मोटी इलायची, तुझे पता मैंने मसाला बना रखा है। हाँ, तो अदरक जवैन सब डाल के ऐसे हमारे को अच्छी नहीं लगती। हाँ, अदरक तो सर्दी आएगी, अदरक तो जल्दी। मम्मी ले आई थी अदरक ना, हेमा पी ले चाय? दीदी पी ली। हाँ, रस भी ले ले साथ, खाली दिल नहीं है। नहीं, खाली पेट में। अच्छा, दीदी आपकी ड्रेस तो बहुत सही लग रही थी उस दिन। मेरी अलग हो गई ना, अलग हो गई, लहंगे हो गए, आपके अलग हो गए। आजकल वैसे इंसान ड्रेस लेता है, उसके बाद एक बार पहनता है, दो बार, फिर क्या करे उसका पता करे क्या? पर दीदी पड़ी रहे कभी तो, हम ये तो नहीं देखो नहीं पड़ी रहे। माना गोलू की शादी का लहंगा पड़ा है, पायल की शादी का लहंगा पड़ा है, ये कहाँ कितनी जगह कहाँ है रखे बताओ? वो प्लम्बर में तो जगह नहीं है ना, मेरे को कोई होती है, मुझे कोई समझाए, सेल लगाओ, सेल लगाओ, सेल लगा दो। हाँ, ये गोलू की खुद के लहंगे भी बाहर हैं, हमारे खुद के लहंगे बाहर पड़े हुए, बेडों में जगह ही नहीं है। तो बेडों में नहीं है ना, क्या करें बताओ? मेरे को समझ, या तो एक 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 मकान ले और उसमें रखा सारा सामान, किराए पे कमरा ले लें। नहीं, किराए पे नहीं, अपना खरीद, अपना खरीद, किराया बार बार आ जाता है। अच्छा, हाँ ये भी सही है, किराया आ जाएगा घड़ी घड़ी, अपने का दुख नहीं है, खाली कपड़ों का कमरा बन गया। चलो, हाँ मतलब बड़ी परेशानी है, कपड़ा लेके ना उसके पास को समेटना। दीदी आपके पास तो ऊपर ऑप्शन है मकान बनाने का? नहीं, हम एक बार मकान बनेगा तो सारा टूट सारा टूट के बनेगा, सारा मकान जब भी बनेगा बना लेना। अब जब भी मकान बनेगा बच्चे बनाएंगे, बच्चे हमने बहुत बना लिया। अब जब भी बनाएंगे बच्चे बनाएंगे, हम रहे ना रहे मकान तो बच्चे बनाएंगे, बना लेंगे।
जगह होती है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अब हम इकट्ठे रह रहे हैं ना सारे, दो नीचे दो ऊपर, जैसे चल रहे वैसे चलता रहेगा, चलता रहेगा। चलो बाय पूजा, मैं जा रही है। अंकल खड़े हैं नीचे, कोई भी मिलता है ना, मैं तो अंकल नीचे खड़े हैं, मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। सुन लो मेरी बात, मैं कहा टाइम पास होता है, जरा कोई मिलता है आता जाता है, टाइम तो पास हो जाता है, असल में क्या है टाइम नहीं है, दिल भी लग जाता है थोड़ा। अब तुम अकेले अकेले बैठे रहते हो, हमारे घर तो देखो, हमारे घर तो बहुत बड़ी फैमिली है, ऊपर सोनिया डॉली है, नीचे है तुम दो, हमारे घर तो कोको पूछी भी है, वो तो चिपक जाते हैं। सिंगाड़े का लेके गई थी, वो सिंगाड़े को टूटे पड़े हैं, पता कितने समझ आ रहे हैं, साबुत सिंगाड़े दे दो, अपने आप छील छील के छिलके फेंक देते हैं सिंगाड़े खा लेते हैं, समझदार होते हैं। चल बाय पूजा, बाय। सो मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था कि इतने सारे अच्छे कमेंट्स आए थे, आपको मम्मा की ड्रेस बहुत अच्छी लगी, और मेरी मेरा मतलब मेकअप तो चलो उन्होंने कहा था, लेकिन मेरी ड्रेस पहले भी देख चुके, एक मतलब एक अलग मेकअप से अलग ही लगती ड्रेस है ना, अलग हेयर स्टाइल हो और अलग से तैयार हो तो वो अलग ही लगती है चीज। और मम्मा का ये था कि मम्मी ने सबसे यूनिक पहना था, मतलब सभी ने लहंगे पहने सबने, बट मम्मा की ड्रेस मुझे वो मेरी मतलब गर्लिश ड्रेस है ना, मेरे को भी आ जाएगी, तेरे को भी आ जाएगी। हमें इडली मेक चाहिए, बहुत बहुत ईजी टू मेक है, इसके सारे स्टेप्स इसके पीछे लिखे हैं, इसमें इस इडली के बैटर में जितना लोगे, जैसे अगर एक कटोरी लिया है तो एक कटोरी दही जाएगी और आधा पानी जाएगा, मतलब आधी कटोरी पानी, वो बहुत प्यारा बैटर बनेगा। और फिर ऑयल के साथ जैसे इडली को बनाते हैं ना बैटर में, सेम वैसे बनाना है, वो इडली मेकर होता है ना, इडली मेकर में डाल के ऑयल डालकर ये हो गया। और एक ये डोसा मिक्स, डोसा मिक्स इसको पता है कैसे बनाना है, ये मतलब सबसे बेस्ट है, एक तो ना इसमें कोई कलर मिला हुआ है, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं, बहुत अच्छा और हेल्दी है ये। बल्कि इसमें क्या करना है, इसको दही के साथ मिलाना है, मतलब जितना ही डोसे का मिक्सचर उतना ही दही, दही मतलब दुगना नहीं, जितना मिक्सचर उतनी दही, और थोड़ा बहुत मतलब पानी मिलाना है कि जितना बैटर बन जाए पानी उतना मिलाना है, पूरा नहीं, हल्का बहुत, अगर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लो, पता ही होता है बैटर कैसे बनता है। और उसके बाद इसको नॉन स्टिक पैन में हीट करना है, और जैसे हमारे पास तवा है, और जैसे पलटते हैं वैसे पलट के आलू डालकर सर्व, बस बहुत इजी है, बनाएंगे डोसा, बनाती रहती हूं कल बनाएंगे इसको, प्रैक्टिस है। और एक ये भी आया, ये देख, और एक ये है पीनट बटर, देखो आपको पता है गाइस कन्नू तो मंगवाता है, सबसे हेल्दी है ये, फॉर मेन है, डार्क चॉकलेट है, कुछ चीजें होती है जो सिर्फ मेंस के लिए होती है, फीमेल्स के लिए अनहेल्दी होती है, या मतलब कुछ ना कुछ इसमें होता है, फॉर मेन लिखा हुआ है, सिर्फ फॉर मेन है, इसमें कोकोआ पाउडर वगैरह है। अच्छा अच्छा, तो कन्नू खा लेगा, डार्क चॉकलेट है, हाँ तो कन्नू खा लेगा ब्रेड के साथ, वैसे ही खाता है उसने, उसने रियल का मंगाया था ना, वो नहीं, वो अंदर पड़ा है, कन्नू का रियल का अंदर पड़ा है। अच्छा अच्छा, तो ये पूछी सो रही है, और कोको कोको चले आ जा, कुकी दीदी बुला रही है, कुकु दीदी 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 बुला रही है बेटा। अच्छा आज दीदी पास ऊपर, आज 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 मेरा बच्चा, ये देखो उसका बानी दी, आजा चौधरी बन के आगे बैठ गई, वो वहां से आएगी, आजा 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 आगे, कैसे कहना मानती है ना, कहना मानती है ना तेरा, देख तेरे पीछे आजा, देख तेरे पास आगे आजा, दीदी है दीदी, डॉल दीदी की डॉल, मेरी मेरी कुकू है, मैं तो कुकू कहती कुकू। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आंटी ड्रेस कहाँ से ली है, तो मैं हमेशा उत्तम नगर नंदा एम्पोरियम से ड्रेस लेती हूँ। और दूसरी बात, ये ड्रेस कितने की है, तो ये ड्रेस 10,000 रुपये की थी, तो 10% उन्होंने लेस किया था, तो 9,000 के करीब पड़ गई थी। आजकल कोई ड्रेस भी लो 9-10 हज़ार से कम नहीं आती है, अगर सस्ती मिलती हैं तो हम लोगों को पसंद नहीं आती, और अगर अच्छी लो फंक्शन में तो 10,000-12,000, इससे महंगी महंगी थी, मुझे जो पसंद आ रही थी वो 16-17 हज़ार की थी, तो मैंने सोचा इतनी हैवी लेके करनी ही क्या है, तो कोई और फंक्शन आएंगे, जैसे पूजा की शादी होगी तो थोड़ी और अच्छी ड्रेस ले लेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी हल्की ले ली थी, हल्की भी 10,000 से भी कम नहीं है, मगर ड्रेस बहुत अच्छी थी। आप लोग भी अगर लेना चाहते हो तो वहाँ पर जाके आप ले सकते हो, क्योंकि उनकी जो कलेक्शन है बहुत अच्छी है, और बिल्कुल सिलेक्टेड पीस होते हैं वहाँ, मतलब जो पीस भी देखो वो आपको सारे ही पसंद आएंगे। आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो तरुण बसरा 9, उसको भी जाके जल्दी से फॉलो करो जिन्होंने नहीं किया।
और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।